चाहे बीच में मत बोलिए, आपके रेडियो को बचने नहीं दूंगा। मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, आपका रेडियो नहीं बचने दूंगा। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, सिर्फ इनकलाब बोल देने से भगत सिंह नहीं हो जाता, सिर्फ सत्य की और अहिंसा की बात करने से गांधी नहीं हो जाता। गांधी, गौर से सुनो, केंद्र के जो कृषि कानून है सभापति महोदय, मैं किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बता रहा, मैं सेक्शन वाइज बात करूं। सबसे पहले आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम जो खत्म हुआ, उससे कालाबाजारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। ये लाया इसीलिए गया था 1955 में कि देश में एक जगह संग्रहण कोई नहीं करे और जो भी उत्पादन की चीजें उस पर सत्ता का कब्जा रहे, न कि किसी आदमी का। उस कानून के टूटने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो संग्रहण का होगा, जिसे कालाबाजारी और महंगाई बढ़ेगी। लोगों ने यह समझा कि देश के प्रिय प्रधानमंत्री हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। प्रिय प्रधानमंत्री हमारे पक्ष में नहीं बोल रहे थे, बड़े पूंजीपति के पक्ष में बोल रहे थे, इसलिए तीनों काले कानून है। और साहब, आज कह रहा हूं मैं आपको, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, सारी जगह आंदोलन खड़ा हो गया। आंदोलन की मैं उपलब्धि बताऊं सभापति महोदय, तो ये उपलब्धि है। क्षेत्रवाद, जातिवाद और नक्सलवाद, फलाना ढिमका, पंजाबी, हरियाणवी, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए, सब आरोप मिट्टी में मिल गए। किसान की एकजुटता ने जाति धर्म की इनकी राजनीति को नंगा कर दिया और लोग एकजुट हो गए। सभापति महोदय, मैं 2 मिनट और लूंगा। कोरोना के संकट में अगर देश में कोई चीज जिंदा थी वो थी कृषि, और कृषि संकट को आज वापस तेजी से गहराने का प्रयास किया जा रहा। ये मेरे बड़े बोले भाई कह रहे थे कि कृषि को उभारने का काम किया जा रहा, नहीं, झूठ बोल रहे हो। 2015 में आपने सीएडी खत्म की, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग खत्म किया केंद्र ने, झूठ बोल रहे हो। आपकी कृषि को उभारने का काम कर रहे हो, आपने बोनस जो राज्य की सरकारें देती थी खत्म आपने किया, झूठ बोल रहे हो आप कि किसान आगे बढ़ रहा, किसान की आत्महत्या का आंकड़ा बताना बंद किया, केंद्र की सरकार ने बंद किया। सभापति महोदय, खेती खेती नहीं, ये जमीन भी बेचना चाहते हैं बड़े पूंजीपति के वाले, इसलिए तीनों अध्यादेश साथ लेके आए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चीज, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये क्यों नहीं बता रहे कि एमएसपी पर खरीदेगा, बाहर भी कोई खरीदेगा तो? जी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी तो अच्छे दिन आने की भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो काला धन वापिस आने की भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो 15-15 लाख खाते में आने की भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ रोजगार की भी कह रहे थे, पर हुआ तो नहीं। कैसे मान लें? कागज से मानेंगे, कलम से मानेंगे, लिखित में मानेंगे। और आप कह रहे हैं आंदोलन नहीं है, गलत कह रहे हो आप। पीपली का किसान पूरे देश में छाप छोड़ के गया। अरे हरसिमरत कौर इसलिए अस्तीफा देकर चली गई कि आपकी जमीन, उनकी पंजाब में जमीन, राजनीतिक जमीन खिसकने शुरू हो गई थी। अरे राजस्थान में 800-850 मंडियां लगी थी पिछली रबी की फसल तुलाई में, और 30,000 टोकन कटे हुए रह गए, केंद्र की सरकार ने बंद कर दिया था। सभापति महोदय, इन कानूनों से न सिर्फ बड़े पूंजीपति बल्कि नए सरमाएदार पैदा हो रहे हैं। वो सरमाएदार जो अभी तक सिर्फ ऊर्जा में थे, सिर्फ पावर में थे, सिर्फ दूसरे संसाधनों में थे, वो एयरपोर्ट खरीद रहे थे, वो रेल खरीद रहे थे, वो जमीन पर कब्जा करने के लिए ये कानून केंद्र की सरकार से बनवाने में कामयाब हुए। सभापति महोदय, देश में सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, सिर्फ इनकलाब बोल देने से भगत सिंह नहीं हो जाता, सिर्फ सत्य की और अहिंसा की बात करने से गांधी नहीं हो जाता। गांधी और टैगोर और भगत सिंह बनने के लिए जो त्याग और बलिदान की जरूरत है, उसकी कमी है आज, उस कमी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। देश के किसान को आगे ले जाने के लिए जो सिर्फ कानून, 3 संशोधन कानून लेके आए, न सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि कानून ठीक लेके आए हो, लेकिन इस कानून में भी एक चीज हम और चाहते हैं, आप भी ये लाइन लिखते कि एमएसपी से नीचा मंडी में भी खरीद नहीं करी जाएगी। मैं समझता हूं मेरा ये प्रस्ताव आप स्वीकार करें। दावे के साथ कहता हूं, केंद्र की उस मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम जेलों की चकियों की रोटी खा खा करके विधानसभा पहुंचे, मजाक नहीं है। जो आपके कानून लागू कर दोगे, आप कह रहे हो आंदोलन नहीं है, आंदोलन आंदोलन की बात कर रहे हो, रड़क पार देंगे रड़क, पर तुम्हारे काले कानून किसी भी रूप में लागू नहीं होने देंगे। जमीन उसकी होगी जो जमीन जोतेगा, जमीन उसी की रहेगी जो जमीन जोतेगा, जमीन अदाणी और अंबानी की नहीं होगी, मंडी उसी की होगी जो मंडी में काम कर रहा है, मंडी से बाहर दूसरी मंडी का जो सपना आप दिखा रहे हो, ये सबज बाग हम आपका कामयाब नहीं होने देंगे।